हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं मुड़कू, गुलाब फूल और निमकी बनाना दिखाऊंगी। तो गुलाब फूल के लिए पानी लेंगे और पानी को थोड़ा सा हल्का गर्म कर लेंगे। और पानी मेरे 3 गिलास पानी है, जिसमें मैं 1.5 गिलास चीनी डाल रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेना है चीनी को। जब चीनी मिक्स हो जाए तो इसमें हम 4 गिलास मैदा डालेंगे और मैदा को धीरे धीरे मिलाते रहेंगे डाल डाल के। और एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़े थोड़े डाल डाल के मैदा को मिलाते रहना है। इतना मिलाना है कि वो लिक्विड थोड़ा सा थिक रहे, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी ना हो। ज़रूरत पड़े तो उसके अनुसार और आप मैदा डाल सकते हो। तो देखिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते रहना है और मिलाते रहना है। तो देखिए हाथों की सहायता से मैं मिला रही हूँ। इसमें नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून जैसा। थोड़ी मीठी डिश में थोड़ा सा नमक डालने से और टेस्टी बनती है। चाहे तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। तो पहले मैंने सांचा को गरम कर लिया है ऑयल में। जब सांचा गरम हो गए हैं तब सांचा की सहायता से आप एक बर्तन में जो मैंने मैदा का लिक्विड बना के रखा है उसको उसमें डालेंगे। पूरा भर के नहीं डालना है, पूरे मुंह तक नहीं डालना है, आधा डिप करना है। और उसके बाद तेल में, गर्म तेल में डाल देना है और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से छुड़ाना है। ये अपने छूट जाएंगे। सांचा बहुत गर्म होनी चाहिए तब जाके ये निकलता है। तो देखिए आधा ही डुबा रही हूँ, फुल नहीं डुबा रही हूँ। अगर फुल डुबाएंगे तो ऐसा नहीं निकलेगा फुल। तो इसको आधा ही डुबाना है, फुल नहीं डुबाना है। फुल डुबाओगे तो निकलेगा नहीं। तो आप देखिए मैं हल्का हल्का उसमें डिप कर रही हूँ और ऐसे डाल के इसको निकाल रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर से तेल में डाल दी हूँ थोड़ा सा। फिर सांचा गर्म हो जाए तो फिर लिक्विड में डिप करके फिर हमें डालना है। तो देखिए बन गए हैं, इस कितना सुंदर कलर हो गया है। तो चलिए अब मूंग दाल के मुड़कू बनाना सिखाऊंगी। तो मूंग दाल लूंगी मैं 1.5 गिलास, यानी 1 पाव मूंग दाल है। और उसको कुकर में पकाने के लिए रख दी हूँ और हरी मिर्ची को पीस ली हूँ। और हरी मिर्ची और मूंग दाल दोनों को मिला ली हूँ और इसमें नमक स्वाद अनुसार ऐड की हूँ। अब इसको भी अच्छे तरह मिला लेना है। इसमें अजवाइन भी डाली हूँ। अब इसमें 1 पाव अगर मूंग दाल है तो 1 पाव तेल लगेगी। तो इसमें रिफाइंड ऑयल धीरे धीरे करके एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। तो रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और इसको फेंट रही हूँ अच्छी तरह से। तो इसमें मूंग दाल है और ये अजवाइन है और मिर्ची को मैं पेस्ट बना ली थी। मिर्ची इतना डाले ताकि मुड़कू थोड़ा झाल हो, उतना मिर्ची डाल के पीस लेना है। अब इसमें चावल पाउडर डालेंगे 1 किलो। 1 पाव मूंग दाल में 1 किलो चावल पड़ेगी और चावल पाउडर अरवा चावल के पाउडर है। और इसमें धीरे धीरे डालते डालते इसको मिक्स करते रहना है। तो देखिए इसमें 1/2 किलो पहले मैं डाली हूँ, 1/2 केजी, उसके बाद और 1/2 केजी। तो 1 केजी इसमें चावल पाउडर ऐड किए हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। बीच में ज़रूरत पड़ेगी तेल का तो धीरे धीरे तेल डालेंगे। तेल भी 1 पाव जैसे रहेंगे तेल। तो देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। और इसमें अजवाइन गोटा ही पड़ेगा, इसमें मैं गोटा ही अजवाइन डाली हूँ। सबको अच्छी तरह से हाथ से ही इसको मिलाना है। हाथ से अच्छा मिक्स होते हैं तो हाथ से इसको मिलाना है अच्छी तरह से। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो पानी ऐड करना है, क्योंकि आप जो मूंग दाल जो मैं पकाई हूँ सीटी में, एक ही सीटी पकाना है मूंग दाल में। तो मूंग दाल जो मैंने लिया था 1 पाव, उसमें पानी डाल के पकाई हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के उसको 1 सीटी दी हूँ। 1 सीटी जब हो जाने के बाद उसको मिक्सर में ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद उसमें हरी मिर्ची अजवाइन डाल के मिक्स कर ली थी। मिक्स करने के बाद उसमें चावल पाउडर डाल के और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटा जैसे गूंद ली। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं, आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा गीला करना है और मुड़कू के सांचे में भरना है, भर देंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाई हूँ और इसको मिक्स करके और मुड़कू के सांचे में पूरा भर दे रही हूँ। इसको चकला भी, चकली भी बोलते हैं इसको शायद। तो हाथ भिंगा भिंगा के, थोड़ा पानी में भिंगा भिंगा के इसको थोड़ा मिक्स करके और सांचा के अंदर में भर रही हूँ। इस तरह से भर देना है और इस
मार्केट में इस तरह से साँचा अवेलेबल है, आप ख़रीद सकते हैं। और इसको गोल घुमा घुमा के इसके उसको हम बंद कर देंगे। तो देखिए ये साँचा में मैंने दो प्लेट फिल कर लेनी है, चार पांच प्लेट। अब इसको हम पहले से ही डिज़ाइन बनाए, उसके पीछे ऑयल लगा लेनी है और इस तरह साँचा को घुमा घुमा के हम इसका राउंड शेप देंगे। और ऐसे करने चार पांच प्लेट में ऐसे पहले से ही बना के रखना है। और तेल गरम करने के लिए रख देंगे। जब तेल गरम हो जाएंगे तो हाथों से इसको धीरे धीरे उठा के और तेल में छोड़ देंगे। तो देखिए ऐसी प्लेट से निकालनी है और निकाल के हाथों में ऐसे रख के हल्का सा और इसको छोड़ देनी है तेल में। बस इस तरह से फ्राई करनी है और मीडियम फ्लेम रहना है, एकदम हाई फ्लेम नहीं रहना है। तो मीडियम फ्लेम में इसको हमें फ्राई करनी है। तो देख रहे हो इसी तरह से हाथ से ऐसा लेना है, हल्का सा तेल लगा लेना है प्लेट के पीछे, तब ये चिपकेंगे नहीं, आराम से निकल जाएंगे। तो हमारी चकली भी बन के रेडी हो गई है। तो इसको मतलब हल्का लाइट ब्राउन ही देना है, ज़्यादा लाल नहीं करनी है। तो मीडियम फ्लेम में ही इसे हमें पकानी है। तो देखिए बन रहे हैं। जब जब डालते वक्त बिल्कुल भी छूना नहीं है, बिल्कुल भी अल्टी पल्टी नहीं करना है। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए साँचा से मैं कैसे बना रही राउंड शेप, सेम इसी तरह से शेप देनी है। और फिर इसको हम हाथों की सहायता से इसे डाल देंगे और बिल्कुल भी तुरंत छुएंगे नहीं, इसको थोड़ा पकने देंगे। जब थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा अपने से ही मुड़कू या चकली, उसके बाद हम थोड़ा सा चलाएंगे इसको। तो इसके ब्राउन कलर तक इसको हम फ्राई करेंगे, इसके कलर आते तक। तो देखिए अपने से ऊपर आ गए हैं और कलर भी इसके धीरे धीरे आने लग गए हैं और ये पूरा राउंड शेप में है, आपको दिखने को मिल रहा है, दिख रहा है आपको। तो बहुत ही गजब की रेसिपी है, संक्रांति स्पेशल, पोंगल स्पेशल। अब हम निमकी बनाएंगे। तो निमकी के लिए मैदा हम बर्तन में डालेंगे और उसमें अजवाइन डालेंगे और अजवाइन अंदाजे अनुसार डालेंगे। और मैदा मैं इसमें 3 पाव मैदा ली हूँ या 1 किलो भी लीजिए। और इसमें गरम गरम ऑयल को डाल देना है और इसको हाथों की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिक्स करनी नहीं है, इसको एकदम खास्ता बनाना है। खास्ता बनाने से निमकी एकदम सॉफ्ट और करारी बनेगी। तो इसको अगर जब तक खास्ता नहीं करोगे तो निमकी एकदम खाने योग्य नहीं रहेगी, एकदम कड़े कड़े बनेगी। तो खास्ता करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको देखिए इसी तरह हाथ से मल मल के, दोनों हाथ से एकदम मल मल के इसको एकदम खास्ता बनाना है। उसके बाद इसमें पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। तो देख रहे हो खास्ता ऐसे बनाने है कि आप मुट्ठी बंद करें और ये आराम से मुट्ठी बंद हो जाए। तो इसी तरह से पूरा अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए दोनों हाथों की सहायता से इसको खास्ता करेंगे। और ऑयल भी अगर आप 1 किलो तेल ले मैदा ले रहे हैं तो इसमें ऑयल एक पाव जैसे तेल लगेंगे। और इसको अच्छी तरह से पानी डाल डाल के, हल्का हल्का पानी डाल के इसको जैसे आटा बनाते हैं आटा का डो, इसी तरह से इसको बना सान लेंगे। तो देखिए आटा जैसा साननी हूँ। चलिए अब इसको बेलते हैं। तो इसको छोटा छोटा पेड़ा बना के ऐसे बेल लेंगे और चाकू की सहायता से इसे पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। निमकी इसी तरह से बनती है इसको, और एक पेपर में या प्लेट में हम इसको निकाल देंगे। अब तेल को गरम करेंगे और गरम तेल जब हो जाए तो इसमें निमकी, जो कटी हुई निमकी थी, इसको डाल के फ्राई करेंगे। तो देखिए हम फ्राई कर रहे हैं, ये जितने भी मतलब सटे हैं एक दूसरे से, सब तेल में जाने के बाद सब खुल जाएंगे अच्छी तरह से। और देखिए ये फ्राई हो चुकी है, इसका कलर आने लग गया है। तो निमकी बन के रेडी है। तो दोस्तों अगर अच्छे लगा मेरा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो बेल आइकन के साथ आप दोस्त बना लेना ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो लेके आपके साथ।
तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को, बाय बाय, टेक केयर।